दिव्य ज्ञान परमार्थ से। मैं मयंक त्रिपाठी आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको किस्मत बदलने के कुछ शास्त्रीय उपाय बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं जिनसे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता ही है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह हर प्रकार के पैतरे अपनाता है। बुरे समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह उसका बुरा समय टल जाए, खत्म हो जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका उसे मिल जाए जिससे उसके बुरे समय का प्रभाव कम हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार लोगों का भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। उसका भाग्य ही ऐसा होता है जिससे कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो आइए आज हम जानते हैं कि कुछ ऐसे सरल उपाय जिनसे मात्र कुछ दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो उन उपायों में पहला उपाय है कि किसी तालाब, झील या नदी में गायों को नित्य जा करके आटे की गोलियां बना करके खिलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से यह उपाय जो करता है कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक उठती है। दूसरा उपाय यह है कि सुबह उठते ही सबसे दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण के लिए देखें और देखने के बाद 3-4 बार रगड़ करके फिर उसे अपने चेहरे पर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए मालिश करें। इसका कारण यह है कि हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में यानी मणिबंध में कलाई पर भगवान विष्णु का स्थान होता है, वास होता है। अगर आप नित्य यह कर्म करते हैं तो आपका भाग्य कुछ दिनों में चमक सकता है। तीसरा उपाय, आप यह बरगद के पत्ते को गुरुवार के दिन पुख नक्षत्र हो या रविवार के दिन पुख नक्षत्र हो, जब ऐसा योग हो तब बरगद का पत्ता ला करके उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रख दें। आप अगर ऐसा करते हैं तो घर में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा, परिवार में कभी कलेश नहीं होगा। अगला उपाय है कि आप प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म का उदय होगा। तो आप प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। अगला उपाय, घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी का चित्र लगाएं और चित्र ऐसा लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो। उस पर सुबह दुर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, हमेशा खुशहाली आती रहती है। अगला उपाय है, आप काली हल्दी की एक गांठ को अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन वर्षा होगी और दिमागी संतुलन बना रहेगा, आपका दिमाग कभी डिसबैलेंस नहीं होगा। अगला उपाय है, आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलें तो निकलने से पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि माता पिता को प्रत्यक्ष देव माना जाता है। ऐसा करने से सभी विपरीत या ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और आपको लाभ प्रदान करते हैं। तो ये कुछ शास्त्रीय और ज्योतिषी उपाय हैं, इसे आप करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए उपाय के साथ, नए जीवन को सुखमय बनाने के उपाय के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय सियाराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।